अगर आप SEO की स्किल सीख लेते हो तो चार ऐसे तरीके हैं जिससे आप SEO के थ्रू अर्न कर सकते हैं। नंबर वन, क्रिएटिंग अ निच साइट। दैट मीन्स आप एक वेबसाइट बनाओगे जो आपकी अपनी होगी, उसके ऊपर आप कंटेंट पब्लिश करोगे टेक्स्ट बेस, एंड वो आर्टिकल्स होंगे, जितनी ज़्यादा आर्टिकल्स होंगे उतना ही ज़्यादा एक ब्लॉग अच्छा परफॉर्म करता है, ग्रो करता है, एंड देन उसको आप मोनेटाइज कर सकते हो विद डिस्प्ले एड्स, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, और तकरीबन को 12 के करीब मेथड्स हैं अपने ब्लॉग से अर्न करने के, जो कि मैं ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। इस चीज़ के लिए आपके पास जो स्किल्स होनी चाहिए अलॉन्ग विद SEO, उसमें सबसे पहले आपके पास निच रिसर्च है, कीवर्ड रिसर्च है, थोड़ा बहुत आपको ब्लॉग बनाना आना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक वर्डप्रेस आना चाहिए आपको, उसके बाद कंटेंट राइटिंग इन्वॉल्व हो जाती है। तो आप चाहो आप AI टूल्स को यूज़ करो, आप चाहो आप खुद लिखो। अगर आप लॉन्ग टर्म जाना चाहते हो तो बेटर ये है कि आप खुद राइट करें, एंड देन आपको थोड़ा सा ग्राफिक डिज़ाइन का स्किल आना चाहिए। लाइक आप एटलीस्ट किसी ना किसी टूल को यूज़ कर सकते हो, जैसे कि कैनवा है, जस्ट उसको यूज़ करने से ही आप बहुत अच्छे अच्छे ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन आपको थोड़ी सी टेक्निकल स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए कि साइट की स्पीड को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, साइट को मोबाइल रिस्पॉन्सिव कैसे बनाना है, ऑल्दो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही मिलते हैं थीम्स, बट स्टिल इस तरह की चीज़ों का नॉलेज होने से आपको फायदा ही होगा। सो अगर ये चीज़ आप कर लेते हो, आप ऐसी साइट्स बना सकते हैं जो कि कंटेंट से अर्न कर सकती हैं, एंड देन बाद में आप चाहो उनको फ्लिप करो, चाहो उनको खुद रखो, इट्स अप टू यू। नंबर टू है रैंक एंड रेंट और लीड जनरेशन। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक वेबसाइट बनाओगे जो कि लोकली सर्च्ड कीवर्ड्स के लिए होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप सर्च करते हो प्लम्बर इन लाहौर, सो इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं जिनके लिए लोकल एरिया में एक साइट रैंक करेगी, तो इस तरह की साइट रैंक करके आप कैसे अर्न कर सकते हो, इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, जिस भी कैटेगरी या सर्विस की वेबसाइट आपने बनाई है जो कि रिसर्च करने से आप पता चलती है, उसके बाद आप उस पर्टिकुलर सर्विस के जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं उनको अप्रोच करोगे जाके कि भाई ये देखें हमारे पास ट्रैफिक है, हमने एक साइट बनाई है, हमारे पास लीड्स आ रही हैं, हम ये लीड्स रेंट आउट करना चाहते हैं। या तो पर मंथ बेसिस पे आप अपनी वेबसाइट को रेंट आउट कर दो उस बिजनेस को, या फिर लीड जनरेशन साइट्स होती हैं जो आपकी लीड्स कैप्चर करेंगे, दैट मीन्स वो आपसे पर बेस चार्ज करेंगे, एंड देन आपकी लीड्स उनको चली जाएंगी, वो जो मर्जी करें उस लीड का। तो एक ये भी टाइप है। इसके लिए भी ऑब्वियसली आपको SEO का पता होना चाहिए, एंड देन आपको थोड़ी सी कीवर्ड रिसर्च का स्टाइल चेंज करना पड़ता है, बाकी सारी स्किल्स वही हैं जो ऊपर बताई हैं मैंने। नंबर थ्री है डू SEO फॉर स्मॉल बिजनेसेस। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है कि आप अपनी एक कॉन्टेंट साइट बनाओ या फिर एक लोकल कीवर्ड के ऊपर रैंक करो, तो आप ये कर सकते हो कि आप बिजनेसेस को सर्विसेज ऑफर कर सकते हो कि भाई आप उनकी प्रोडक्ट्स को, उनकी सर्विसेज को लोगों तक लेके जाओगे। दैट मींस कि अगर कोई बंदा फर्नीचर की सर्विस देता है या फिर अगर कोई बंदा डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाता है और उसको एक ऑडियंस तक रीच करना है अपनी प्रोडक्ट्स को, तो वो आपकी सर्विस लेगा ताकि आप उसकी साइट को ऑप्टिमाइज करें और सर्च के थ्रू उसकी वेबसाइट के ऊपर कस्टमर्स लेके आए, ऑब्वियसली SEO के थ्रू। इसके लिए भी क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं आपके पास, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स आपको रिक्वायर्ड होंगी। फॉर एग्जांपल आप अगर SEO करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट इस तरह की जो साइट्स होती हैं उनको मैनेज करने के लिए मोस्ट प्रोबेबली एक टीम की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल्स आनी चाहिए, आपको टीम मैनेजमेंट की स्किल्स का पता होना चाहिए। एंड नंबर फोर, ऑफर SEO कंसल्टिंग। बाज़ दफ़ा कुछ लोगों को एक प्रॉपर SEO पर्सन की ज़रूरत नहीं होती जो कि पूरी की पूरी साइट को हैंडल करे एंड सब चीज़ों की एग्जीक्यूशन करे। ऑल दे नीड इज़ अ पर्सन जो उनको कंसल्ट कर सके कि जो ऑलरेडी वो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं उसके ऊपर वो नज़र रख सके या उनको गाइड कर सके, ताकि एग्जीक्यूशन करने वाले लोग डिफरेंट होंगे, ये बंदा सिर्फ और सिर्फ एक गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, एक रोड मैप प्रोवाइड करेगा। सो इस तरह का बंदा जो है वो कंसल्टेंट कहलाता है। तो आप कंसल्टेशन सर्विस दे सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक चीज़ जो फेस करनी पड़ेगी वो पॉलिटिक्स होगी, बिकॉज जो एग्जीक्यूशन करने वाले होंगे उनको ऐसा लगेगा कि उनके ऊपर एक बॉस आ गया जो कि एक कंसल्टेंट होगा। तो ऑब्वियसली अगर ये चीज़ आप हैंडल कर सकते हो तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन फॉर यू। इसमें बेसिकली आपने स्ट्रेटजीज डिफाइन करनी होती हैं, एक रोड मैप क्रिएट करना होता है, एग्जीक्यूशन के लिए उनके पास ऑलरेडी एक टीम होती है, ऑल दे नीड इज़ योर टाइम, ताकि आप एक एफिशिएंट स्ट्रेटजी उनको बना के दे सकें। एंड बोनस स्किल आपके लिए ये है कि आप SEO को यूज़ करके डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई टूल इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, कोई ई बुक लॉन्च कर सकते हैं, या कोई डिजिटल कोर्स लॉन्च कर सकते हैं, इस तरह की कोई चीज़ जिससे लोगों को आपके नॉलेज से या आपके कोड से फ़ायदा हो सके, तो इसके थ्रू भी आप एक बिजनेस सेटअप कर सकते हो। सो होपफुली ये चीज़ें आपको वैल्यूएबल लगेंगी। अगर इसी तरह की मजीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए।